हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गवर्नमेंट आईटीआई, जो एमपी में जितनी भी गवर्नमेंट आईटीआई है उन सभी गवर्नमेंट आईटीआई में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं, और उसके लिए आज जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई में अलग अलग प्रकार की ट्रेड रहती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। तो इसमें अलग अलग तरह की ट्रेड्स में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफी, ऐसी बहुत सारी टाइप की ट्रेड होती है। तो अलग अलग आईटीआई में, किसी आईटीआई में 2 ट्रेड, किसी में 4 ट्रेड, किसी में 10 ट्रेड, ऐसे अलग अलग आईटीआई में अलग अलग ट्रेड रहती है। अब उन सभी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रहती है। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और आपको अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप किस ट्रेड में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु जो दिशा निर्देश है इसका आपने वीडियो देख ली होगी। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा आपको समझाया है इस वैकेंसी के बारे में। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं या फिर क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर जो आप ये PDF देख सकते हैं, इस PDF में सबसे पहले व्यवसाय, तो व्यवसाय का मतलब है ट्रेड, तो ट्रेड का नाम है यहाँ पर ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, फाउंड्रीमैन और कारपेंटर। तो ये सभी जो ट्रेड है फ्रेंड्स, इन सभी ट्रेड में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए तो आपको क्या चाहिए, हाई स्कूल अथवा समकक्ष, तो आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपने पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स, आपके संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से ITI या फिर अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो आपको 10वीं चाहिए, या फिर आपने पहले पुरानी पद्धति से 11वीं जब बोर्ड होती थी तो वो उत्तीर्ण की है तो वो चाहिए, और इसके साथ में आपको NCVT या SCVT से ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो होता है वो उसका ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा में लिखा गया है कि हाई स्कूल अथवा समतुल्य, ये तो ऐसा का ऐसा ही है, या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण, उसके साथ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना जो होती है उसके अंतर्गत अगर आपने मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम का NCVT या SCVT का 2 वर्षीय कोर्स किया है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेड वेल्डर के लिए आपको फैब्रिकेशन सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए, टर्नर मशीनिस्ट के लिए आपको प्रोडक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग से उत्तीर्ण होना चाहिए, और टर्नर ट्रेड के लिए प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इन सभी ट्रेडों के लिए। तो क्या लिखा है कि AICTE UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था से आपको मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड, तो ये सारे जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे गए हैं इन सभी से आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके बाद विद्युत कार या वायरमैन की अगर हम बात करें तो पहले जो 2 पॉइंट है वो सेम ऐसे ही रहेंगे, और उसके बाद तीसरा जो है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री रहेगी। तो सबसे पहले आपको 10वीं प्लस ITI रहेगी, अथवा में लिखा हुआ रहेगा 10वीं प्लस आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से 2 साल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है NCVT SCVT से तो वो, और तीसरे नंबर पर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, तो ये आ जाएंगे विद्युत कार या वायरमैन के लिए। इसके बाद फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग की क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी गई है, तो आप वीडियो को रोककर ये क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरी और ड्राइवर कम मैकेनिक, इन सभी के लिए भी यहाँ पर
एक पूरा जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या फिर वेब डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो सबसे पहले तो वही हाई स्कूल प्लस आईटीआई, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा गया है अथवा में कि या तो आपने इसमें हाई स्कूल और आईटीआई की हो कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से, या फिर आपने अप्रेंटिस की हो कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से। इसके अलावा आप DOE ACC से ए लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर अगर आपने PGDCA किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अथवा में एक और लिखा गया है कि अगर आपने डेस्कटॉप पब्लिशर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल, ये सारी ट्रेड से आपने आईटीआई की हुई है, या फिर आईटी सेक्टर में आपने 1-2 साल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से आईटीआई की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर विषय के साथ स्नातक की है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है, या फिर आपके पास BCA या फिर MCA है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये सभी में से एक अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से आपने ITI की है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो कौन से सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग, वो सभी यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद स्टेनोग्राफी के लिए आपको ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रण लेखन बोर्ड या NCVT या SCVT से आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन और 25 शब्द प्रति मिनट से हिंदी मुद्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से DCA, PGDCA, कोपा, ITI या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर, मेसन, पेंटर, प्लम्बर, इन सभी के लिए भी यहाँ पर लिखा है कि आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद आपको संबंधित व्यवसाय में आपको ITI होना चाहिए और संबंधित व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। रिसोर्स पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी 10+2 के तहत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, और इसके बाद आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें कि आपकी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से ITI होना चाहिए और हाई स्कूल या 10वीं पास होना है। उसके बाद आपको संबंधित व्यवसाय में अखिल भारतीय या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपको NCVT या फिर SCVT से ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद लास्ट है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ICTSM, तो ICTMS जो है ये भी एक नई ट्रेड है और कुछ ITI में ये ट्रेड है, तो उसके लिए आपके पास हाई स्कूल या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके साथ में आपको ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, या फिर इसके अथवा में 2 और लिखे गए हैं कि या फिर आपने NCVT या SCVT से 2 साल का मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम किया हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक और PDF जो है वो MP स्किल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, तो वो PDF जो आपको एलिजिबिलिटी फॉर गेस्ट फैकल्टी उसमें मिल जाएगा। तो ये जो PDF है फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है कि पास्ट नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर NCVT SCVT इन रिलेवेंट ट्रेड, तो आपको NCVT या फिर SCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी ट्रेड से संबंधित ट्रेड से, या फिर आपको डिप्लोमा या डिग्री पास होना चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच से, तो ब्रांच क्या क्या है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर पूरा PDF दिया है, या फिर आपके पास BCA, MCA या PGDCA होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो अगर आप कोपा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास BCA, MCA या PGDCA है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स DCA वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर PGDCA लिखा है, DCA नहीं लिखा है। इसके बाद
यहाँ पर ट्रेड दी गई है और उसके सामने ब्रांच दिया गया है, तो यह आपकी जो डिप्लोमा या डिग्री हो उस डिप्लोमा डिग्री में आपने जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसमें अगर आपकी ये ब्रांच है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले इन्होंने डार्क कलर में ट्रेड लिखी है और बाद में इन्होंने ब्रांच लिखी है, तो ये सभी में से अगर कोई भी ब्रांच आपके पास में है तो आप ये वाली ट्रेड के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सारी ट्रेडों की और सारी ब्रांच का नाम इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ए से लेकर जेड तक जितनी भी ट्रेड आती है उन सभी का और उन सभी की ब्रांच का। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्वेश्चन किसके लिए मांगी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके आसपास की जो आईटीआई है उस आईटीआई में कौन सी आईटीआई में कौन सी ट्रेड के लिए कितनी सीटें खाली है, वो सारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।